सेकेंड चैप्टर पर्सपेक्ट में ठीक है यार पूरा आगे चलो ज्यादा इधर उधर की बातें कर रहे थे, डायरेक्ट टॉपिक पे बात करते हैं। इकोनॉमिक्स का एज ऑफ नाउ इफ आई डोंट मिस्टेकन सो आपका थर्ड चैप्टर हुआ है, काइंडली प्लीज कीप इट इन माइंड। हुआ कि नहीं थर्ड चैप्टर? ओके, तो आपका नोटबुक है ना, आपका टेक्स्ट बुक, उस पर टिक करते रहना। जब भी मैं कोई टॉपिक कंप्लीट करता हूँ तो यू शुड नो दैट कि कौन सा टॉपिक पढ़ा है, बिकॉज एंड में हम लोग को खुद को पता नहीं रहते हुआ है कि नहीं हुआ है। तो बेस्ट पार्ट आपका इंडेक्स में क्लियर होना चाहिए कि अगर टॉपिक नंबर 3 कम्प्लीटेड है तो ए और बी दोनों पार्ट आई हैव फिनिश्ड। लास्ट लेक्चर में टोटल आउटले मैंने पढ़ा के वो टॉपिक को क्लोज कर दिया। यस और नो? तो पार्ट ए भी हो गया, पार्ट बी हो गया, सप्लाई हुआ है, हुआ है कि प्रोड्यूसर बिहेवियर। तो आई थिंक दो टॉपिक उधर कंप्लीट किए और एक नीचे चैप्टर नंबर 6 इंडेक्स नंबर आया ना, इंडेक्स नंबर हुआ कि नहीं? तो वो तीन चैप्टर कंप्लीट हुए, रिकॉर्ड में डाल देना आपके। टोटल हाउ मेनी टॉपिक इन योर टेक्स्ट बुक? 10। कितने? 10। कि अभी हम लोग कौन सा टॉपिक चालू करें? चैप्टर नंबर 4, इसका नाम है यूटिलिटी एनालिसिस। बिफोर, अच्छा मीनिंग पढ़ लेते पहले इंग्लिश में यूटिलिटी का क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यूटिलिटी का मीनिंग पेज नंबर चाहिए, क्या चाहिए? पेज बुक नंबर, पेज नंबर, पेज नंबर आठ। यूटिलिटी का पहले इंग्लिश में मीनिंग देख लो, समझ में आता है तो मुझे ज्यादा डीप पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये नहीं समझ में आएगा तो पूरा चैप्टर समझ में नहीं आएगा। कुछ इस तरह से समझ लो आप शॉर्टकट में। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस मीनिंग, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एंटायर चैप्टर, सो बिकॉज एंटायर चैप्टर इज बिलोंग टू दिस स्टेटमेंट ओनली, ये स्टेटमेंट के ऊपर पूरा चैप्टर है। सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट इन इंग्लिश, देन आई विल एक्सप्लेन इन इंग्लिश। पावर ऑफ यूटिलिटी का मतलब होता है ये क्या? पावर ऑफ कमोडिटी टू सैटिस्फाइड ह्यूमन वांट्स, पावर ऑफ कमोडिटी टू सैटिस्फाइड ह्यूमन वांट्स। सो नाउ आई वांट आंसर्स फ्रॉम गर्ल्स फर्स्ट, व्हाट मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? बॉयज गर्ल्स, आई वांट आंसर फ्रॉम गर्ल्स। ये यूटिलिटी का आप ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाट डज इट मीन बाय दिस स्टेटमेंट। ये वर्ड का मतलब क्या होता है, लाइन का मतलब क्या होता है? और डरो मत, आपको कोई सजा नहीं मिलने वाली है। तो फिर जो भी टूटा फूटा आंसर आता है, आई एम रेडी विथ दिस, ऐसा एकदम कंफर्टेबल हो, मतलब डर के आंसर दोगे तो नहीं आएगा आप। मेरे को पूछ लिया ये वाला कंसेप्ट दिमाग में रखोगे ना तो इकोनॉमिक्स कभी नहीं पढ़ पाओगे मेरे से, तो एटलीस्ट। तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, आप गलत भी दोगे और सही भी दोगे, टूटा फूटा दोगे तो भी चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट शुड बी आंसर, डरना नहीं। कोई लोग देखो कितने कमीन है, देखो बेशरम है, हंसते भी है। गर्ल्स प्लीज ट्राई टू स्पीक, जितना आता है उतना बोलो, जो समझ में आता है उतना बोलो, जिनको बोलना है वो प्लीज काइंडली रेज योर हैंड्स, बेटर रहेगा। लेट्स सी, कॉन्फिडेंस लेवल चेक करते थोड़ा, जो भी बोलना चाहता है, गलत आंसर चलेगा, आई एम रेडी, एक्सेप्टेड रॉन्ग आंसर ऑल्सो, बट ट्राई इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन बोलोगे? नहीं होता, सिंदाज बोलो। हाँ बोलो बोलो, टूटा भी चलेगा फूटा भी चलेगा, बोलो। करेक्ट है, बराबर बोले। और एनीवन एल्स? गलती है तो फिर बोलते क्यों? बोल, जो भी आता है बोल देना।
जो पढ़ के बोल सकते वो ही बोल रहे हैं। क्या है वो, क्या लिखा है? पीछे परंग बोलो बेटा बोलो, परंग। जब तक नहीं बोलेगी वैसे उधर ही अटका रहूंगा मैं, उससे ऐसे तो बोल ही दे तू। परंग बोलो, वारन इसलिए बोल रहा हूँ, मेरा एक दोस्त था बहुत समझना था, उसका नाम था वारन। बोल बड़ा बोल बोल बोल, काजी एवढे जमते तेवढे बोल बोल। ठीक ठीक चलेगा, उसको बोल वो मेरे को बताए। बोल बोल राहुल, लिसन टू हर, क्या बोल रहे हो बोल, उसको एक्सप्लेन कर। सिविल टाइम होता है, कोई कोई डरते हैं, स्कूल में अपने को आदत वगैरह ना, डराते हैं, मारते हैं, गलत है, क्या बोल रहे हैं, हंसते हैं, इसलिए वो डर बैठ जाता है। मालूम है 10 साल का डर है वो, एक दो दिन में नहीं जाए। मैं तो कुछ बोलता नहीं तो फिर भी मार खाता था, तो पूछता था मैं बोलूंगा तो कितना मार खाऊंगा, अच्छा नहीं बोलो बेटा रहे ना, वो डर है मालूम है 10 साल का वो डर है अपने बंद में, क्योंकि आपसे ज्यादा मैं डरता था। बोला साला कुछ ना बोलो तो चलेगा, कुछ बोलो तो हंसेंगे भी और मार पड़ेगी, उससे अच्छा तो ना बोलो, तो डोंट वरी। चलो बोलो बेटा राहुल, स्पीक, क्या बोले? कर्जा पूर्ण करना, ठीक है, उसने बोला वही है। एनीवे अभी टाइम वेस्ट नहीं करना, अभी किसी को खुद से बोलना है बॉयज में, चलो लेट्स गेट स्टार्ट फॉर। कोई नहीं बोलेगा तो तू बोल देना। पांडे बोलेगा वो, क्यों नहीं, तू तू भी बोल, वो भी बोल, दोनों बोल बोल। पांडे लिख के बोलो, पढ़ के बोल, जो भी है। पांडे क्या ये ताकत क्षमता किसकी? आगे उसके पहले एक वर्ड है ह्यूमन, उसके बाद एक वर्ड है ह्यूमन के बाद, ह्यूमन के पहले एक वर्ड है, ह्यूमन के बाद एक वर्ड है। वांट्स का मतलब वांट, वांट्स जिस चीज की हम लोग को जरूरत है उसे वांट्स ही बोलते हैं। हाँ कुछ चाहिए उसको बराबर बोलो, जो चीज चाहिए उसको, किसी ह्यूमन को जो चीज चाहिए बराबर, तो कमोडिटी के पास कितना ताकत है, शायद ऐसे ही बोल रहे हैं, कमोडिटी के पास कितना ताकत है जो हमारी जरूरतों को पूरा करे। आई थिंक तो कॉमन स्टेटमेंट आ रही है आंसर ट्रांसलेट करने के बाद। अब थोड़ा एग्जांपल ले ले, देयर आर थ्री पीपल आर हियर, घर पे खाना तो खाते हो सब लोग, नंबर वन, सेकेंड वन और थर्ड वन, किसको ले लो? राजू पांडे, राजू तो राजू। अच्छा एक बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ, राजू कल खाना खाया, तो हाउ मेनी रोटी मतलब चपाती यू ईट्स एवरी डे? एक ही टाइम पे मतलब दिन में मैं 4 बार खाना खाता हूँ, एक ही बार, अगर जैसे डिनर में गया होटल में या किसी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहे हैं घर पे खाना खाते, नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन था। हम लोग घर पे खाना खाते समय हमारे प्लेट पे हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम कितना एवरेज रोटी खाते? राहुल बोल बोल, साइज इज मैटर, अभी पता नहीं, साइज इज ऑल्सो मैटर, बिकॉज किसी का रोटी छोटे साइज का होता है, किसी के बड़े साइज का होता है। ठीक है हम लोग एक एवरेज साइज का ले लेते हैं, नहीं तो भाई हम मराठी लोग के घर पे साइज का हाँ, गुजराती का तो यहाँ पर है तो उनका रोटी कितने साइज का है? पूरी साइज का रोटी रहता है, थोड़ा यूपी वालों का थोड़ा हल्का साइज थोड़ा ज्यादा रहता है।
अपने एवरेज ले लेते चलो ए साइज का रोटी राजू बोल रहे तू चार खा रहा है बराबर एवरेज सुमित हाउ मेनी फोर कम ज्यादा किसी का नहीं पांडे हाउ मच टू ओके फाइन थैंक्स फॉर डिफरेंट आंसर बोलो वाला कॉमन जाए अच्छा अभी ये दोनों का आंसर अपने को मिल गया क्योंकि दोनों का कॉमन है तो इसके अंदर क्या था मालूम है क्या जब हम लोग खाना खाते तो हम लोग का कभी कभार है ना हम लोग थोड़ा खाते तो बाद में वापस से भूख लगती हम लोग आपको दोबारा फ्रिज में ढूंढते रहते हैं राइट ओके सो नाउ मैं कितना खाना खाने के बाद मेरा पेट फील हो जाता है भर जाता है दैट इज द इम्पोर्टेंट राइट दैट्स कॉल्ड ह्यूमन सैटिस्फैक्शन दैट्स कॉल्ड ह्यूमन सैटिस्फैक्शन अब दो चपाती खाने से दो रोटी खाने से मिस्टर पांडे का स्टमक सैटिस्फैक्शन हो जाता है मतलब ही गेट्स सैटिस्फैक्शन बाय टू चपाती मतलब उसको तीन चार खाने की जरूरत नहीं बिकॉज व्हेन ही ईट्स टू चपाती एट होम ही विल बी गेट सैटिस्फाइड राइट आई थिंक आफ्टर अकॉर्डिंग टू हिज आंसर नाउ सुमित हैज लिटिल बिट मोर कोटा मतलब ही सेड दैट कि मेरे को सर जब तक चार चपाती खाता नहीं है तब तक मेरा पेट भरता नहीं है सो मेरे सेटिस्फैक्शन के लिए मुझे कितना रोटी खाना पड़ेगा चार पांडे को कितना खाना पड़ेगा दो करेक्ट है कि नहीं सो देयर आर टू डिफरेंट मतलब जैसे कि आप लोग अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं जब तक आप लोग कुछ खाते नहीं हो मतलब स्टमक फुल होने तक मतलब दैट इज कॉल्ड सैटिस्फैक्शन जब तक मेरी जरूरत पूरी नहीं होती तब तक मैं खाता हूँ और हम लोग का क्या है मालूम है क्या ये जो वर्ड लिखा था पावर ऑफ कम्युनिटी सो तेरी जरूरत पूरी करने के लिए मतलब वो कम्युनिटी के अंदर कितनी पावर है मतलब दैट्स ए वन रोटी ही नीड्स टू रोटी ही नीड्स फोर रोटी मतलब पावर ऑफ कम्युनिटी टू सैटिस्फाइड ह्यूमन व्हाट एक इंडिविजुअल कम्युनिटी के अंदर जैसे कि हम लोग बोलते हैं चपाती खाते तो कैलोरीज भी होता है ना उसके अंदर वन रोटी गिव्स यू 100 कैलोरीज सो इसका मतलब इसको 400 कैलोरीज की सेटिस्फेक्शन है एक मतलब पावर ही आ गया ना तो इट्स कॉल्ड पावर ओनली राइट है कि नहीं सो मुझे जब तक 400 कैलोरी कंज्यूम नहीं करता सर तब तक मेरा पेट भरता नहीं है मतलब कम्युनिटी के अंदर कितनी पावर है इट हैज 100 कैलोरीज का वन रोटी व्हेन आई ईट टू रोटी 200 कैलोरीज कंज्यूम आपको मालूम है पर डे में हम लोग खाना मैंने लास्ट ईयर में भी आपको बताया था एक ह्यूमन है तो कम से कम 2500 कैलोरीज हम लोग पूरे दिन में कंज्यूम करते हैं सर ना अगर कोई अर्बन एरिया में रहता है और जो रूरल एरिया में जो फार्मर्स होते हैं उनको 400-2000 कैलोरीज कंज्यूम करते हैं ये लास्ट ईयर में हुआ था सो इसका मतलब कम्युनिटी पावर है जो मेरी पैशन को पूरी करे दैट्स कॉल्ड ब्यूटी So if I said that, अगर गलत नहीं होगा कि अगर मैं कि मेरे घर वाले मुझे पूछेंगे कि भाई तेरे को कितना रोटी का यूटिलिटी है तो आई कैन से दैट आई हैव अ 3 रोटी का यूटिलिटी आई हैव अ 4 रोटी का यूटिलिटी आई हैव अ 2 रोटी का यूटिलिटी दैट्स कॉल्ड मेरा दो रोटी खाने से सेटिस्फैक्शन फुलफिल होता है मतलब 200 कैलोरीज इज इनफ फॉर मी दैट्स कॉल्ड पावर समझ में आया सो नाउ यूटिलिटी का मतलब तो समझ में आ गया रहेगा आपको अभी आई थिंक सो It's a power of community to satisfy human wants. It is called utility. Basic, agar, if you go by the dictionary word, so dictionary ke hisab se jaoge, to English ka jo dictionary word hai, ya phir Google pe daloge, to aapko dikhai dega. Utility, Hindi mein bolte zarurat. Utility ko Hindi mein bolte zarurat. But yahan pe hum log general language nahi padh rahe, hum log economics padh rahe. So when we talk about the economics, utility ka meaning, थोड़ा चेंज हो जाएगा इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी को बोलते हैं पावर ऑफ कम्युनिटी टू सैटिस्फाइड ह्यूमन वांट वो कम्युनिटी के अंदर कितनी पावर है मेरी जरूरत को मेरे सैटिस्फैक्शन को फुल करने का दैट्स कॉल्ड यूटिलिटी सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे फीचर्स ऑफ यूटिलिटी थोड़ा टाइम लगेगा पढ़ाते पढ़ाते बहुत बड़ा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यूटिलिटी का ये जो फीचर्स मैं पढ़ाने वाला हूँ इट्स टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम टू टीच यू गाइस राइट So first point is relative concept. पहले दो ही पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सब्जेक्टिव
बोलेगा ना तू कर तू उसका वकील वो उसको बोले वो बोले चलो ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, मतलब लिखा नहीं ज्यादा, मैं बुक में तो दो बड़े बड़े पॉइंट है। सो नाउ फीचर फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अंडर दिस चैप्टर, नाम है क्वेश्चन का एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी एंड इट्स अ फीचर। तो फर्स्ट आई नो द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी सेज दैट इट इज द पावर ऑफ कम्युनिटी टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। सो नाउ फीचर्स में पहले दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यूटिलिटी इज अ रिलेटिव कंसेप्ट पॉइंट नंबर वन एंड यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कंसेप्ट पॉइंट नंबर टू। So we start with the relative concept. According to the textbook, they says that Marshall states that utility change time to time, utility change place to place. But utility बदलती रहती है, but इंसान की जरूरत बदलती रहती है time to time, place to place. तो कैसे time to time change होगा? What of your example? Let's take example for a woolen clothes. Woolen clothes मतलब कपड़े मालूम है ना अपने को, woolen clothes. उलन क्लोथ की ज्यादा यूटिलिटी मतलब ज्यादा जरूरत कौन से सीजन में होती है? विंटर में होती है। और कौन से सीजन में कम होती है? समर। करेक्ट है ना? तो यूटिलिटी चेंज हो गया बेटा। ह्यूमन वांट्स, ह्यूमन सेटिस्फेक्शन, ह्यूमन यूटिलिटी चेंज टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। प्लेस टू प्लेस व्हाई इट स्टेट्स दैट इंडिया, इंडिया में इफ यू सी दैट विंटर में हम लोग उलन क्लोथ का एग्जांपल चल रहा है तो उसी का बात करता हूँ प्लेस टू प्लेस के समझाने के लिए। टाइम टू टाइम तो पता चल गया सर अभी विंटर चला जाए मतलब रेनी सीजन चला जाएगा तो विंटर आएगा, विंटर में मेरे को ज्यादा यूटिलिटी की जरूरत है क्योंकि नवंबर दिसंबर में यहाँ पे बहुत ठंड होती है। चलो उल्टा एग्जाम्पल वेस्ट इंडीज में जाएंगे, वेस्ट इंडीज में नवंबर दिसंबर में ज्यादा धूप होती है, समझ में आया कि नहीं? इंडिया में जो क्लाइमेट है वही क्लाइमेट अदर कंट्रीज में थोड़ी रहेगा। सो यूटिलिटी विल बी चेंज प्लेस टू प्लेस, अंडरस्टूड? सो पीपल आर ट्रैवलिंग फ्रॉम हियर एंड देयर, इफ द यूटिलिटी विल बी डेफिनेटली चेंज। टाइम टू टाइम इज आल्सो चेंज, प्लेस टू प्लेस इज आल्सो चेंज, अंडरस्टूड? सो एग्जांपल के लिए मैंने समझाया, बट व्हेन यू टॉक अबाउट द रिलेटिव कंसेप्ट तो उसका आंसर ये लिखना है, यूटिलिटी बेसिकली चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड यूटिलिटी इज आल्सो चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। फॉर एग्जांपल इन अ विंटर सीजन हैज मोर यूटिलिटी ऑफ उलन क्लोथ एंड इन समर सीजन लेस यूटिलिटी फॉर अ उलन क्लोथ। आंसर क्लोज, समझ में? आंसर कैसे लिखना वो भी मैंने बता दिया विदाउट टेकिंग टू मच ऑफ हेडेक, राइट? थियोरेटिकल है बट फिर भी इजी है। Yes or no? Once you understand, you can able to write also. Utility is a subjective concept, relative concept. Sorry, utility is a relative concept. Utility is change from time to time and place to place. That's it. Textual, मैं पूरा textual copy paste बोल रहा हूँ तुम लोग को. So you don't have to worry, मतलब tension वाला काम ही नहीं. So for example, utility, woolen clothes has more utility in a winter season and woolen clothes has a less utility in a summer. एग्जाम्पल भी आ गया, मीनिंग भी आ गया, अंडरस्टूड? अब बुक में और एक एग्जाम्पल दिए चाहिए तो मैं बता देता हूँ, बाद में आप कंफ्यूज मत होना। क्या लिखा? सैंड हैज ग्रेटर यूटिलिटी एट द कंस्ट्रक्शन साइट देन सीशोर। अच्छा, रेत, रेत, रेत का ज्यादा यूज कहाँ होता है? कंस्ट्रक्शन। कम यूज कहाँ पर होता है? बीच पे। सिंपल सी बात हो गया ना, उसका ज्यादा यूज कहाँ पर है? ज्यादा मोर यूटिलिटी हैज इन एट अ कंस्ट्रक्शन पे। रेत हमें ज्यादा जरूरत कहाँ देता है? कंस्ट्रक्शन कम जरूरत है, रेत पे बीच पे जाके घर लेते रहते हो और क्या करते हो, तो उससे अच्छा वो ज्यादा यूटिलिटी देने से अच्छा कंस्ट्रक्शन में उसको यूज करें तो ज्यादा बेटर है, राइट? तो हो गया आंसर, यूटिलिटी चेंज प्लेस टू प्लेस का भी आंसर आ गया, बराबर, करेक्ट? सो टू पॉइंट्स अंडरस्टूड नाउ। टाइम टू टाइम का भी एग्जाम्पल उन्होंने दिया, प्लेस टू प्लेस का भी एग्जाम्पल दिया, बराबर? नाउ विल गो टू द सेकेंड पॉइंट।
यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट. बेसिकली यूटिलिटी इज चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. लोगों की यूटिलिटी पर्सन टू पर्सन चेंज होता है. जैसे कि एग्जांपल, अब मे बी मुझे जो पसंद है शायद आपको पसंद ना हो, और चाहे आपको जो पसंद है वो मुझे पसंद ना हो. मे बी एग्जांपल आपके सामने देता, यहाँ पे फ्रूट्स में मैंगो किसको पसंद है? मोस्ट प्रोबेबली सबको आता है, इसका कॉमन एग्जांपल है. मैंगो को हटा देते हैं, नॉर्मली 99% लोगों को तो मैंगो पसंद है. अलग फ्रूट एप्पल का ले लेते हैं. हाउ मेनी पीपल लाइक्स एप्पल? मेनी. मतलब बाकी बैठे हुए इसका मतलब उनको पसंद नहीं है, इसका मतलब ये. ओके ओके वेरी गुड. और हाउ मेनी पीपल डिसलाइक एप्पल? किसको एप्पल पसंद नहीं है? ओके पांडे सर को हाँ भी नहीं ना भी नहीं, तो मैं खाता ही नहीं, पसंद ना पसंद का सवाल ही नहीं होता. अरे यहाँ पे लाइक और डिसलाइक की बात, या फिर आंसर यस रहेगा या फिर नो. तो हाँ पॉइंट क्या था? कुछ लोगों को एप्पल पसंद है, कुछ लोगों को एप्पल पसंद है. जिसको एप्पल पसंद है इट हैज मोर यूटिलिटी फॉर एप्पल. बराबर सर मुझे पसंद है, इट हैज मोर यूटिलिटी, इट गिव्स यू मोर यूटिलिटी. मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा क्योंकि मुझे पसंद है. दो पीपल हु डू नॉट लाइक एप्पल दे डोंट गिव यूटिलिटी, मतलब उनको सेटिस्फेक्शन एप्पल से बिल्कुल नहीं मिलेगा. So it has a less utility those people who do not like the apple. That's why utility is changed from person to person according to their like, dislike, taste, preferences and fashion. बराबर है ना? अपने पूर्वज को धोती कुर्ता ज्यादा पसंद था, फैशन हमें देंगे, हमें वो पसंद है. फैशन चेंज, यूटिलिटी चेंज. बट यूटिलिटी चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. गर्ल्स में भी देखो देर आर डिफरेंट डिफरेंट, क्या मतलब हम लोग या बॉयज लोग में देखो, हम लोग जो कपड़े भी पहनते हैं वो अलग अलग प्रकार के पहनते हैं, राइट? तो किसी को जींस पसंद है, किसी को जींस पसंद है, किसी को ट्राउजर पसंद है, किसी को ट्राउजर पसंद है, किसी को शर्ट पसंद है, किसी को टी शर्ट. मतलब यूटिलिटी चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन अकॉर्डिंग टू देयर लाइक, अकॉर्डिंग टू देयर डिसलाइक, अकॉर्डिंग टू देयर टेस्ट, अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंस एंड चॉइसेस. पॉइंट अंडरस्टूड? हाउ मेनी पॉइंट वी हैव कंप्लीटेड? I think dono point with explanation understood, right? We'll go to the point number 3 now. इसको अच्छे से समझ लेना. ये 8 या 9 पॉइंट अगर आते हैं ना आपको, तो इसमें आपका अगर डू यू एग्री भी आता है ना आपको, जैसे हम लोग ट्रू और फॉल्स गिव रीजन बोलते हैं, वो आपका सब हो जाएगा. मतलब ये 8 पॉइंट में सब हो जाएगा. मतलब ये 8 पॉइंट आपको चार अलग अलग प्रकार से काम आएंगे. पहला डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन में भी काम आएगा, दूसरा आपको शॉर्ट नोट्स के लिए सिर्फ पूछा जाएगा. यूटिलिटी इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, एक्सप्लेन. यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, एक्सप्लेन. तीसरा इसको डू यू एग्री में भी काम आएगा. ये डू यू एग्री आता है ना क्वेश्चन, वो आपको घुमा फिरा के आंसर पूछ लेगा और इसमें आपको काम आएगा. चौथा आपको ये फीचर्स ऑफ यूटिलिटी हर साल आता है. तो मतलब ये क्वेश्चन करने से मतलब ऑलमोस्ट आपका 50% चैप्टर हो जाता है अकॉर्डिंग टू मी. और दूसरा एक क्वेश्चन है डीएमयू करके आएगा, वो अगर हो गया तो आपका काम ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया ये चैप्टर का. नाउ न्यूट्रल भाई
When you talk about the any commodity, commodity का काम क्या होता है? कोई भी चीज का काम क्या होता है? Satisfied करना. आया ना? Commodity का काम क्या होता है? Humans satisfied करना. अभी satisfaction के लिए, according to this point, क्या लिखा है? Ethically neutral concept. अभी ethically neutral concept का मतलब होता है, utility is a no ethical consideration. ethics का मतलब समझ में आया ना? Ethics का मतलब, etiquette का मतलब क्या होता है? Etiquette का मतलब, ये इस statement में वो actually etiquette का मतलब आदर्श होता है. Textual में. Economics पर है. यहाँ पे थोड़ा ethical का मतलब थोड़ा change हो जाएगा. Ethical you can say that अच्छा और बुरा. You can say that अच्छा और बुरा. So utility it's just काम क्या है commodity का to satisfy the human wants. इंसान की desire पूरी करना ये commodity का काम है. तो उसमें अच्छा होने दो या बुरा होने दो. What's make a difference? से लेके पहले example दूंगा समझ में आएगा. See if suppose मेरे हाथ में knife एग्जाम्पल देता हूँ. तो एग्जाम्पल से अपने को क्या पढ़ना है वो क्लियर हो जाए. क्योंकि अगर जब तक एग्जाम्पल है तो क्या बड़बड़ करते रहेगा देखते रहो. नाइफ मेरे हाथ में नाइफ है. सो नाइफ का पहला अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ. यूटिलिटी किसको होती है? नाइफ की यूटिलिटी किसको होती है? नाइफ हैज मोर यूटिलिटी फॉर अ हाउस वाइफ एट किचन टू मेक अ फूड. यस और नो? मम्मी को नाइफ की ज्यादा जरूरत है किचन में खाना बनाने के लिए. तो इट्स अ गुड यूटिलिटी. सैटिस्फेक्शन मिल रहा है. कमोडिटी से सेटिस्फेक्शन मिल रहा है. अच्छी बात है या बुरी बात है? कमोडिटी का काम क्या है? ह्यूमन को सेटिस्फाइड कर. कमोडिटी गिव्स सेटिस्फेक्शन टू हुम? हाउसवाइफ. किसके लिए? टू कट द वेजिटेबल. टेक्सचुअल में लिखा है टू कट द वेजिटेबल. वेजिटेबल कट करने के लिए नाइफ की मुझे जरूरत है इसलिए मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है. नाउ सेकेंड बैड वाला एग्जाम्पल. नाइफ हैज मोर यूटिलिटी फॉर थीफ. चोर को चोरी करने के लिए भी इसकी जरूरत पड़ती है. Knife has a utility for a thief, but it is no ethically considered. It is a bad thing. अरे bad होने तो क्या good होने तो मेरे को तो जरूरत है ना इसके भाई. इसके बिना मेरा काम नहीं होगा. समझ में आया कि नहीं? So दोनों housewife and thief both getting the satisfaction, but point क्या है? Satisfied होना चाहिए. So that's why they said that utility does not consider any ethical things. It cannot consider good. It cannot consider bad. It's का काम क्या है? It just commodity का काम क्या है? Satisfy. बस इंसान की जरूरत पूरी करना ये commodity का काम है. अब आप लोग इसको किस तरह से यूज करते हो ये आपका चॉइस. Housewife को वेजिटेबल कट करने के लिए नाइफ की जरूरत होती है तो इट इज अ गुड यूटिलिटी. चोर को चोरी करने के लिए नाइफ की जरूरत पड़ती है तो वो भी बैड यूटिलिटी. बट यूटिलिटी का मतलब क्या है? कमोडिटी का काम क्या है? सैटिस्फाइड करना. इट कैनॉट कंसिडर गुड और बैड थिंग. उसके अंदर गुड चीजें बैड चीजें नहीं आते. इसका कमोडिटी का काम है टू सैटिस्फाइड ह्यूमन वॉन्ट. हम लोगों ने ऊपर पढ़ा ही ना यूटिलिटी का मतलब क्या है. इट इज द पावर ऑफ कमोडिटी टू सैटिस्फाई ह्यूमन वॉन्ट. अरे चाकू से मुझे खून करने में मजा आता है भाई. खुशी मिलती है मेरे को. आई एम सैटिस्फाइड. सीरियल किलर यस और नो? पॉइंट अंडरस्टूड. यूटिलिटी कैन नॉट कंसिडर इथिकली. इट कैन नॉट कंसिडर गुड और बैड. इट्स द कमोडिटी का काम है टू जस्ट सैटिस्फाइड ह्यूमन वॉन्ट. एग्जाम्पल भी मैंने दिया. हाउसवाइफ हैज मोर नाइफ का यूटिलिटी. हाउसवाइफ हैज मोर यूटिलिटी फॉर नाइफ टू कट द वेजिटेबल. एंड थीफ इज ऑल्सो गेट द सैटिस्फेक्शन ड्यू टू द नाइफ. तो उसको भी सैटिस्फेक्शन मिलता है लेकिन ही इज यूजिंग फॉर अ बैड पर्पज एंड हाउसवाइफ इज यूजिंग फॉर अ गुड पर्पज. तो यूटिलिटी कैन नॉट कंसिडर इथिकली. इट्स कैन नॉट कंसिडर गुड और बैड. Differ from
अच्छा ये अलग है थोड़ा पॉइंट, क्या लिखा है मालूम है क्या? यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस, यूटिलिटी और यूजफुलनेस बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। पॉइंट का नाम क्या है? यूटिलिटी और यूजफुलनेस बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट हाउ यूटिलिटी एंड हाउ यूजफुलनेस बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, व्हाई दे आर नॉट सेम, क्यों अलग अलग है, तो एक्सप्लेन करेंगे। पहले यूटिलिटी का मतलब लिखेंगे, व्हाट डज इट मीन बाय यूटिलिटी। यूटिलिटी इज द पावर ऑफ कम्युनिटी टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। हम लोग प्रूव कर रहे हैं ना, यूटिलिटी और यूजफुलनेस दोनों सेम क्यों नहीं है, दोनों अलग क्यों है, दैट वी नीड टू प्रूव। तो प्रूफ करेंगे, तो पहले यूटिलिटी का मतलब क्या, पावर ऑफ, एक्सप्लेनेशन कैसे लिखेंगे, यूटिलिटी मींस पावर ऑफ कम्युनिटी टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। अब यूजफुलनेस का भी मतलब लिखना पड़ेगा, यूजफुलनेस का मतलब होता है वैल्यू इन कम्युनिटी इन यूज, वैल्यू इन यूज ऑफ कम्युनिटी, सॉरी वैल्यू इन यूज ऑफ कम्युनिटी, बट वो कम्युनिटी का यूज कितना होता है, दैट इज कॉल्ड यूजफुलनेस। बट हर चीज का हम लोग को उतना ही जितनी जरूरत है मे बी उसका यूजफुलनेस होता नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं बताऊंगा आपको, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे मिल्क का दिया हुआ, मिल्क क्या, मिल्क जो दूध, मिल्क हैज बोथ यूटिलिटी ऑल्सो एंड यूजफुलनेस। यूटिलिटी हम लोग को चाहिए घर पे चाय बनाने के लिए, और उसका वैल्यू भी है क्योंकि वो यूज भी होता है, जब तक लाएंगे नहीं तब तक उसको यूज नहीं कर पाएंगे, जरूरत भी है और यूजफुल भी है, समझ में आया, जरूरत भी है और यूजफुल भी है, तभी तो चाय पी लेते हैं। नाउ लिकर, अनदर एग्जांपल, लिकर मतलब अल्कोहल, अल्कोहल का अल्कोहल हैज मोर यूटिलिटी टू द ड्रंकर, बराबर, अल्कोहल हैज मोर यूटिलिटी फॉर अ ड्रंकर एंड इट हैज नॉट यूजफुल फॉर अ नॉन ड्रंकर, जो नहीं पीता उसको उसकी यूज नहीं है। इसकी यूटिलिटी किसको है, जो पीता है, और इसका यूज कहां पर नहीं है, तो दैट्स व्हाई दे सेड दैट यूटिलिटी इज नॉट सेम, यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस बोथ आर नॉट सेम। अल्कोहल का एग्जाम बराबर मैच कर रहा है, अल्कोहल हैज मोर यूटिलिटी दोज हु आर एडिक्टेड एंड अल्कोहल डज नॉट गिव यूजफुलनेस टू नॉन ड्रंकर, जो नहीं पीता उसको उसका यूज ही नहीं है। अभी जो नहीं पीता उसके घर पे एक कैरेट ला के देखे बियर तो वैसे ही पड़ा रहेगा, तो इट डज नॉट हैव अ यूज, और जो पीता है उसके लिए इट हैज बोथ यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस बोथ है, समझ में आया, तो दैट्स व्हाई यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस बोथ आर नॉट अ सेम, बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। उसके नीचे और एक पॉइंट दिया, कौन सा है, यूटिलिटी डिफर फ्रॉम प्लेजर। अब वापस से वही प्रूफ करना है, Thank you.
चलो पॉइंट क्या लिखा है, यूटिलिटी एंड प्लेजर दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है। सर अलग अलग कैसे बताएंगा? यूटिलिटी मतलब मालूम है आपको, पावर ऑफ कमोडिटी टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, एंड प्लेजर का मतलब एंजॉयमेंट, खुशी, आनंद, बराबर ना? दोनों सेम कैसे नहीं है मैं बोलता हूं। नाउ लेट्स टेक एग्जांपल, इंजेक्शन, इट हैज अ मोर यूटिलिटी फॉर इल पीपल, डिजीज पर्सन, जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है तो सब जगह पे वैक्सीन लेना पड़ रहा है। तो अभी आपको अगर 18 प्लस इयर्स को वैक्सीन चालू है, आप लोगों के लिए चालू नहीं, अभी जब चालू हो जाएगा अंडर 18 के लिए आप जाओगे कि नहीं जाओगे लेने? मतलब वैक्सीन हैज गिव्स यू यूटिलिटी क्योंकि जरूरत है, नहीं लेंगे तो कोरोना हो जाएगा तो चले जाएंगे, तो चले जाने से अच्छा वैक्सीन लेना ठीक है। सो इंजेक्शन गिव्स यू मोर यूटिलिटी, बट इंजेक्शन लेने में किसको खुशी मिलती है? हाँ इधर भी लगा था सो इट मीन दैट इंजेक्शन हैज मोर यूटिलिटी दोज हु इल, मतलब जो बीमार है उसको जरूरत है, लेकिन इट डज नॉट गिव्स द प्लेजर, खुशी नहीं मिलती, लेना पड़ रहा है। तो अ कम्युनिटी मे बी गिव्स यू, कम्युनिटी मे बी इट हैज यूटिलिटी बट इट डज नॉट गिव्स यू प्लेजर, जरूरत है बट खुशी नहीं मिलती। दैट्स व्हाई यूटिलिटी एंड प्लेजर बोथ आर नॉट सेम, बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। एग्जाम्पल तो दिया हुआ है, इंजेक्शन हैज अ मोर यूटिलिटी दोज हु हैव अ इल पर्सन बट इट डज नॉट गिव यू प्लेजर, खुशी नहीं मिलती। मेडिसिन लेने में खुशी जरूरत है, अगर मैं बीमार हूं तो मुझे मेडिसिन लेना पड़ेगा, और खुशी मिलती है मेडिसिन लेते समय, करेक्ट है? अगर खुशी मिलती तो रोज खाने के टाइम पे और खाने के बाद दो बार ले लेते, तो इट डज नॉट गिव यू प्लेजर। चलो पॉइंट नंबर 7 है, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल। तो पॉइंट क्या था, यूटिलिटी कैन नॉट मेजर न्यूमेरिकली, यूटिलिटी कैन नॉट मेजर इन अ नंबर, यूटिलिटी कैन नॉट मेजर इन अ कार्डिनल, मतलब यूटिलिटी को इंसान की जरूरत को सेटिस्फेक्शन को नाप नहीं सकते, तोल नहीं सकते, am I correct or not? आपको किस चीज की कितनी जरूरत है उसको मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ क्या?
आई कैन नॉट मेजर, जैसे कि मेजर नंबर्स में बात करते हैं, सर मुझे 2 लीटर का यूटिलिटी है, 1 किलो का यूटिलिटी है, ऐसे तो हम लोग बोलते नहीं है ना घर पे, आज मुझे 1 किलो मटन चाहिए मम्मी, घर पे लाते हैं लेकिन 5 लोग खाते हैं उसमें मिक्स करके। तो पॉइंट क्या था, इंसान का जो सेटिस्फेक्शन होता है वो नंबर्स में मापा नहीं सकते, हम लोग तोल नहीं सकते, माप नहीं सकते, सीधी सी बात है ना, आई कैन नॉट मेजर, मतलब आपका सेटिस्फेक्शन में कैलकुलेट नहीं कर सकता, लीटर्स में नहीं माप सकता, केजी में तोल नहीं सकता, ये सर नो। तो पॉइंट तो परफेक्ट लिखा है, यूटिलिटी कैन नॉट मेजर इन अ कार्डिनली, यूटिलिटी कैन नॉट मेजर न्यूमेरिकली, यूटिलिटी कैन नॉट मेजर कार्डिनली एंड अ न्यूमेरिकली। एग्जाम्पल टेक्सटबुक में नहीं दिया है, मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल होता है यूटिलिटी कैन नॉट मेजर इन किलोज एंड लीटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ना एग्जाम्पल थर्स्टी पर्सन जिसको प्यास लगी है वो ज्यादा पानी पिएगा, इट गिव्स यू हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी, यस और नो। आपको सी देयर आर टू पर्सन आर हियर, एक कैसे एक पूरा दिन घर पे बैठा हुआ है और एक दूसरा घर क्रिकेट खेल के घर पे आया, तो किसको ज्यादा यूटिलिटी रहेगा पानी का? तो जिसको प्यास लगे थर्स्टी पर्सन, इट गिव्स यू मोर यूटिलिटी फॉर अ वाटर, सो इट इज गिव्स हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी। और जो नॉन थर्स्टी है वाटर गिव्स यू लोअर लेवल ऑफ, सो दैट्स व्हाई इट सेज दैट यूटिलिटी कैन नॉट मेजर न्यूमेरिकली, यूटिलिटी कैन नॉट मेजर कार्डिनली, मतलब हम लोग उसको माप नहीं सकते, तोल नहीं सकते, किसको कितना जरूरत। पॉइंट अंडरस्टूड? यूटिलिटी इज अ पॉइंट बहुत सिंपल है भाई, यूटिलिटी कैन बी यूज फॉर अ मल्टीपल पर्पस, यूटिलिटी कैन बी यूटिलाइज फॉर अ मल्टीपल पर्पस। एग्जाम्पल कोई कोई कमोडिटी ऐसी होती है, और कमोडिटी कैन सेटिस्फाइड द वॉन्ट्स, मतलब कोई कोई कमोडिटी ऐसी होती है दे कैन सेटिस्फाइड द वॉन्ट्स ऑफ मोर देन वन पर्सन एट अ टाइम, जैसे कि तुम लोग और मैं, हम लोग एक ही क्लासरूम में बैठे हुए, नाउ दिस ट्यूबलाइट gives you utility, ये कमोडिटी है, ये ट्यूबलाइट नहीं होती तो लेक्चर नहीं होता, यस और नो। बट ये कमोडिटी सिर्फ एक पर्सन को सेटिस्फाइड कर रही है, एक पर्सन को सेटिस्फाइड कर रही है नहीं, इट इज सेटिस्फाइंग द सेवरल पीपल्स, राइट, मतलब कमोडिटी कैन बी यूटिलाइज फॉर अ मल्टीपल पर्पस। एग्जाम्पल और इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूटिलाइज फॉर अ मल्टीपल, घर पे लाइट बिल है, लाइट आता है, लाइट हम लोग किस चीज के लिए यूज करते हैं, हीटिंग करने के लिए, फ्रीजिंग करने के लिए, कुकिंग करने के लिए, लाइटनिंग के लिए, यस और नो। तो भाई एक कमोडिटी कितना है, कमोडिटी कितना है एक, विच कमोडिटी, इलेक्ट्रिसिटी, बट इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूटिलाइज फॉर सेवरल पर्पस, मल्टीपल पर्पस। आगे पॉइंट क्लियर हो गया, तो इसका मतलब होता है अ कमोडिटी कैन बी यूटिलाइज फॉर अ सेवरल पर्पस, कमोडिटी कैन बी हैव यूटिलाइज फॉर अ मल्टीपल पर्पस। एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी इज अ सिंगल कमोडिटी,
but it is satisfied many people and it can be utilized for a multiple purpose. Example, heating, cooking, lightning, freezing, etc., etc. Commodity तो एक ही है, लेकिन बहुत सारे चीजों के लिए यूज होती है, बराबर. So that's why they said that electricity it is utilized for a multiple purpose. Understood? No doubt. Point number 8 complete हो गया बेटा. Babu, utility it gives you, but depends on utility is depending on intensity of one. टेक्सटबुक में ये दिया है, मैं इसको थोड़ा पहले अलग तरीके से बताता हूँ, बाद में टेक्सटबुक वाला बताता हूँ जो मुझे इंटेंसिटी का एक्सैक्ट मीनिंग पता है. टेक्सटबुक में शायद वो नहीं दिया, अलग दिया, बट मैं फिर अलग बताऊंगा, टेक्सटबुक वाला नहीं बता रहा हूँ. यूटिलिटी इज डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ वॉन्ट. सो मोर अर्जेंट थिंग विल गिव यू मोर यूटिलिटी, लेस अर्जेंट थिंग विल गिव यू लेस यूटिलिटी. मैं बताऊंगा अपने तरीके से ये पॉइंट को, टेक्सटबुक से अलग है. Utility is depending of मैं बोल रहा हूँ, utility is depending upon the intensity of one. Sir, intensity of one का मतलब urgent चीज gives you more utility, less urgent things gives you less utility. Proof करो. During the exam, which gives you more utility, pen or mobile? Book or mobile? Exam का board का time आ रहा है, पापा को अपने को पैसे मांगने हैं, आप पैसे से बुक लोगे या मोबाइल लोगे? तो बुक्स गिव्स यू मोर यूटिलिटी एंड मोबाइल गिव्स यू लेस यूटिलिटी. रिवर्स क्वेश्चन, आफ्टर द एग्जाम विच गिव्स यू मोर यूटिलिटी, बुक और मोबाइल? मोबाइल गिव्स यू मोर यूटिलिटी. सो दैट्स व्हाई दे सेड दैट यूटिलिटी इज डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ वॉन्ट. मोर अर्जेंट थिंग्स गिव्स यू मोर यूटिलिटी, less urgent thing gives you less utility. During the exam book ज़्यादा important है, इसलिए book ज़्यादा utility देगा. During the exam mobile हम लोग को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसलिए less utility mobile. समझ में आया? ये अलग थे और textual में दिखा है वो बताता हूँ. So according to textbook more, so पहले लिखा utility is depending upon the intensity of bond. So more intense gives you greater utility. Less intense gives you less utility. Example दिया है, hungry person और non-hungry person, जिसको भूख लगा है और जिसको भूख नहीं लगा. Food का ज्यादा utility किसको रहेगा? Hungry person. Food का कम utility किसको रहेगा? According to the person. आगे ना? So utility is depending upon the intensity of want. जिसको ज्यादा भूख लगा है उसको खाने का ज्यादा utility है, जिसको भूख नहीं लगा है उसको खाने का फूड का कम ही है. सो दैट्स व्हाई दे सेज दैट यूटिलिटी इज डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ वॉन्ट. पॉइंट नंबर 9, लास्ट वन.
अच्छा इसको और सिंपल करके देता हूं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। यूटिलिटी विल बी डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड। इफ पर्सन इफ इट इज नीडेड देन ओनली ही डिमांड्स फॉर कमोडिटी। आई विल रिपीट अगेन, यूटिलिटी किसके ऊपर डिपेंड है? डिमांड के ऊपर डिपेंड है। यूटिलिटी इज डिपेंडिंग अपॉन डिमांड। पहले एग्जांपल देता हूं, देयर आर टू पीपल्स आर देयर, एक सिक पर्सन एक नॉन सिक पर्सन, एक बीमार और एक दूसरा नॉन सिक। ओके, मेडिसिन का यूटिलिटी किसको है? तो ही डिमांडेड फॉर मेडिसिन। मेडिसिन का किसको जरूरत नहीं है? नॉन सिक, तो ही कैन नॉट डिमांड मेडिसिन। इसका मतलब वही हो गया ना, यूटिलिटी इज डिपेंडिंग अपॉन डिमांड। क्लियर हो गया? तो पॉइंट क्या था, यूटिलिटी विल बी डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड। एग्जांपल सिक एंड नॉन सिक, सिक पर्सन हैज अ मोर यूटिलिटी फॉर अ मेडिसिन एंड नॉन सिक पर्सन डज नॉट हैव अ डिमांड फॉर अ मेडिसिन। तो यूटिलिटी इज डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड। अंडरस्टूड? रीड करो जरा सर। 6.1, 6.1 कौन सा है? सैटिस्फिकेशन नहीं है वो, सैटिस्फैक्शन है। सैटिस्फैक्शन यूटिलिटी इज अ डिपेंड एंड सैटिस्फैक्शन बोथ आर नॉट सेम। आई भाई टेक्स्ट बुक में थोड़ा पढ़ोगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, उससे अच्छा बेटर है बोर्ड पे जो टेक्स्ट बुक में नहीं है। यूटिलिटी मतलब क्या होता है? पावर ऑफ कमोडिटी टू सैटिस्फाइड ह्यूमन वांट। सो क्वेश्चन में बोला है यूटिलिटी और सैटिस्फैक्शन दोनों सेम? दोनों कैसे? अलग अलग है। हाँ अलग अलग ही है। कोई भी चीज की यूटिलिटी कभी होती है? बिफोर कंजम्पशन, मुझे गाड़ी चाहिए, आई हैव अ यूटिलिटी। कंजम्पशन किया है मैंने, कंजम्पशन का मतलब समझ में आ रहा है ना, वो चीज मुझे मिल रही है। मिली है क्या? गाड़ी मिला है क्या? आई हैव अ यूटिलिटी फॉर फोर व्हीलर। आया आपको किसी को किसको बहुत है, मुझे अभी घर पे जाके खाना खाना। आई हैव अ यूटिलिटी फॉर अ मेडिसिन, मुझे डॉक्टर के पास दवाई लेना, मैं बीमार हूँ। सो आई हैव अ यूटिलिटी फॉर अ मेडिसिन। आई हैव अ यूटिलिटी फॉर फूड। आई हैव अ यूटिलिटी फॉर बाइक। तो यूटिलिटी स्टार्ट बिफोर कंजम्पशन, बराबर। अभी भूख लगा था, घर पे जा गया, खाना खा लिया, सेटिस्फाइड हो गया, तो सेटिस्फेक्शन एंड विद द दोनों में डिफरेंस है ना, दिख रहा है ना, सीधा सीधा सामने सामने डिफरेंस दिख रहा है। तो इसी का मतलब हो गया ना भाई, यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन बोथ आर नॉट सेम, बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हाउ? यूटिलिटी स्टार्ट बिफोर कंजम्पशन, यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन एंड विद द कंजम्पशन। क्लियर हो गया? मुझे फूड चाहिए। अभी आप लोग बोलोगे सर सवेरे चाय नहीं पी है, नाश्ता नहीं किया, जल्दी छोड़ो घर पे जाके ब्रेकफास्ट करना है। सो यू हैव अ यूटिलिटी फॉर अ ब्रेकफास्ट,
बट वेन यू गो टू द होम एंड यू ईट यूर ब्रेकफास्ट तो यू विल बी सेटिस्फाइड, तो आपका सेटिस्फेक्शन विल बी फिनिश. यूटिलिटी स्टार्ट विद द बिफोर कंजम्पशन एंड सेटिस्फेक्शन इज द एंड ऑफ द कंजम्पशन. जब मैं पिएगा पानी, मैं पोहा खाएगा, ब्रेकफास्ट करेगा, तब मेरा सेटिस्फेक्शन कंप्लीट होगा. सो सेटिस्फेक्शन एंड यूटिलिटी बोथ आर नॉट सेम, बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. अंडरस्टूड? आई थिंक ये पूरा क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में. आप जितना अच्छे से इसको आप लर्न करोगे, आपको ये क्वेश्चन बहुत बेनिफिट्स देगा. शॉर्ट नोट्स के लिए भी इसमें से कोई पॉइंट आते हैं, डू यू एग्री, तो पूरा इसी में से रहता है. ये 10 पॉइंट में से ही 4 डू यू एग्री मिलेंगे आपको, समझा? तो आपको बहुत ये बेनिफिट है क्वेश्चन, ये एकदम आसान भी है. तो आपको थोड़ा सा टेक्निकली थोड़ा आपको करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को. Bye.